आस्था के महापर्व और हिंदू धर्म के सबसे कठिन व्रतों में से एक छठ पूजा। यह पर्व 4 दिनों तक चलता है, जिसकी शुरुआत नहाय खाए से होती है और चौथे दिन सूर्य को जल देकर छठ पूजा का समापन होता है। वैसे तो छठ पूजा के दौरान बहुत से पकवान बनते हैं, जैसे खरना के दिन गुड़ और चावल की खीर बनती है। इसके अलावा भी कई तरह की सब्जियां बनाई जाती हैं और बहुत सारे फल और फूल भी रहते हैं। लेकिन एक चीज जो सबसे खास है वो है ठेकुआ। छठ का नाम सुनते ही मुंह से ठेकुआ का नाम जरूर आता है, क्योंकि प्रसाद में खास तौर पर इसे रखा जाता है। ठेकुआ को छठी मैया के साथ साथ सूर्य देवता को भी चढ़ाया जाता है। ठेकुआ का जो प्रसाद होता है गेहूं के आटे, गुड़ और सूजी से बनता है। यह छठ पूजा के दौरान बनने वाले विशेष पकवान है, जो सभी छठ पूजा मनाने वाले भक्तों के घर में बनता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ठेकुआ के बिना भी छठ की पूजा हो सकती है? वैसे तो ठेकुआ छठ का विशेष प्रसाद होता है, जिसे खास तौर पर व्रती और उसके घर वाले साथ मिलकर बनाते हैं। और खास बात यह है कि इसके बिना छठ की पूजा अधूरी मानी जाती है। जो लोग छठ का व्रत नहीं करते हैं, वो लोग भी ठेकुआ प्रसाद के लिए खुद मांग करते हैं। कई इलाकों में तो गेहूं की नई फसल का आटा पिसवाकर खास तौर पर सफाई का सूत्र का ध्यान रखते हुए ठेकुआ बनाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, वो ठेकुआ बनाने के लिए और उसे खाने के लिए आपको छठ का इंतजार नहीं करना है। आप वैसे भी आमतौर पर अपने घरों में ठेकुआ बना सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं। और ये दिखने में जितना बेहतरीन और सुंदर और अच्छा दिखता है, आप यकीन मानिए उससे कई गुना ये खाने में टेस्टी और स्वादिष्ट है। भारत का और हिंदू धर्म का इकलौता ऐसा त्यौहार जहाँ पे आपको उगते सूरज के साथ साथ जो डूबते सूरज की भी पूजा होती है, और यह पर्व का नाम है छठ पूजा। छठ मतलब एक ऐसा पर्व जिसे सभी भेदभाव समाप्त हो जाते हैं। हर घर से भीनी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। गांव से जुड़े इस महापर्व में अब आधुनिकता का रंग चढ़ने लगा है। विभिन्न तरीके से प्रसाद बनाए जाने लगे हैं, लेकिन आज भी एक ऐसा प्रसाद कॉमन है, वो है ठेकुआ। ठेकुआ एक ऐसा प्रसाद है जो अमीर से अमीर और गरीब से गरीब घरों में बनकर सूर्यदेव और छठी मैया को चढ़ाया जाता है। ठेकुआ को बनाने के लिए गेहूं सुखाने से लेकर तमाम छतों पर महिलाएं जुटी, तो लोक गीतों के लय ने अमीर गरीब ऊंच नीच के तमाम भेदभाव मिटा दिए। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इस ठेकुआ का क्या महत्व है और ये कहाँ से शुरू हुआ है, इसका नाम ठेकुआ क्यों पड़ा है, और ये छठ का मुख्य प्रसाद क्यों है, और ठेकुआ कहाँ से आया है। इन सभी तमाम जानकारी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। 4 दिवसीय छठ में तो वैसे कई प्रसाद चढ़ाए जाते हैं, लेकिन ठेकुआ का अलग महत्व है। ठेकुआ गुड़ और आटे से बनता है। यह समय गन्ने के काटने का होता है और गन्ने से गुड़ बनता है। बताया जाता है कि छठ के साथ ही सर्दी के मौसम की शुरुआत हो जाती है। ऐसे में ठंड से बचने और स्वास्थ्य के लिए गुड़ फायदेमंद होता है। इस चलते ठेकुआ चढ़ाने की परंपरा है। प्रसाद बनाने के लिए गेहूं की सफाई की जाती है, इसलिए इस पर्व को श्रम से भी जोड़ा जाता है। ठेकुआ बनाने की शुरुआत कहाँ से हुई, किसने की, इस बारे में ठीक से पता कर पाना थोड़ा सा कठिन है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये बिहार के सालों पहले रहे हंस राजावंश की रसोई से निकला हुआ एक शाही पकवान है, जिसे प्राचीन काल में हंस राजावंश की रसोई में बनाया जाता था। ठेकुआ खाने में जितना स्वादिष्ट है, आपको उतना नाम सुनने में भी अनोखा लगता होगा। जानकार लोग बताते हैं कि इसका नाम ठेकुआ इसलिए रखा गया है क्योंकि इसे बनाने से पहले सही और सुंदर रूप दिया जाता है। ऐसा करने से पहले इसे पत्थर या लकड़ी के बने एक सांचे में रखकर हाथों से ठोका जाता है, जिस कारण इसका नाम ठेकुआ पड़ा गया। ठेकुआ छठ का मुख्य प्रसाद है, लेकिन ऐसा क्यों है यह शायद हम नहीं जानते हैं।
यहाँ आपको बताना यह आवश्यक है कि यह छठ का मुख्य प्रसाद इसलिए है क्योंकि भगवान सूर्य को चढ़ाए जाने वाले दान सामग्री में गेहूं और गुड़ दोनों का विशेष महत्व है। गेहूं और गुड़ को सामान्यतः सूर्य के दान की वस्तुएं माना जाता है, इसलिए इससे बने खास पकवान ठेकुआ को छठ में शामिल स्वरूप भगवान भास्कर यानी भगवान सूर्य को अर्पित किया जाता है। इसे लेकर कई मान्यता है। कहा जाता है कि ठेकुआ नाम ठुका से भी पड़ा है, लेकिन इसका आटा सख्त गूंथा जाता है और इसे सेब देने के लिए हथेली से खूब पीटा जाता है। हालांकि अब भारत में मिलने वाले आटे के ज्यादातर फ्राइन जो स्नैक्स मैदा रिफाइन के आटे होते हैं, लेकिन बिना रिफाइन किए हुए गेहूं से बना हुआ ठेकुआ न सिर्फ काफी पुरानी रेसिपी है बल्कि यह मैदा और सूजी से बने हुए पकवान से कहीं ज्यादा आपकी हेल्थ के लिए भी हेल्दी है। और ठेकुआ बनाने के लिए उसको आकार देने के लिए लकड़ी का जो सच्चा बनता है जिसको अगरौटा कहा जाता है, इस कारण ठेकुआ का दूसरा नाम अगरौटा भी कह सकते हैं, जिसमें तरह तरह के फूल और पत्ती की आकृति बने होते हैं जिसके प्रयोग से ठेकुआ को अंतिम रूप दिया जाता है। और इसे बनाने के लिए मिट्टी के चूल्हे पर बनाई जाती है और आंच देने के लिए आम की लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। और ठेकुआ बनाने की रेसिपी की बात करें तो ये बहुत ही सरल और आसान है और इसमें जो लगने वाले सामग्री हैं वो सिर्फ गेहूं का आटा, गुड़, इलायची पाउडर, घी और आपको यदि ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं आपको बता दूंगी, इसे बनाने के लिए आप सबसे पहले थाली में आटा ले और गुड़ वाले पानी की मदद से गूंथ ले। इसमें इलायची पाउडर या ड्राई फ्रूट्स जो भी है उसको मिक्स कर सकते हैं और जब आटा तैयार हो जाए तो इसको लोइया बनाकर रखें और अब इसे ठेकुआ का आकार दे जो कि आपका अगरौटा होता है उसमें की आकृति में डालकर ठोक कर इसे एक कोई भी एक ठेकुआ का आकार दे सकते हैं। उसके बाद कोई गर्म पैन करें जिसमें घी डालें और उसमें आप इसको तल लें। आपका ठेकुआ बनकर तैयार हो गया और छठ माता के लिए जो विशेष पकवान है, प्रसाद है, तैयार है। तो दोस्तों यह था छठ माँ का और छठ पूजा का सबसे विशेष पकवान जिसके बिना जो छठ पूजा अधूरी मानी जाती है, ठेकुआ, उसका इतिहास और ये कैसे बनता है, आज मैंने इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल में बताया। और यदि आप छठी मैया से और सूर्य देव से रिलेटेड या फिर किसी अन्य जगहों के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पे उपलब्ध दूसरी वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। मैं आपको ऐसे ही भारत से जुड़ी कुछ धार्मिक बातें और धार्मिक जगहों के बारे में बताते रहूँगा। हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।